दीव प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के साथ ही विभिन्न पर्यटन स्थलों पर योग किया गया। दीव खुखरी जहाज, घोघला, ब्लू फ्लैग बीच, किला चक्रवर्ती बीच पर योग करके स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दीव के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर योग किया गया। इस अवसर पर दीव के खोखरी वेशल पर दीव कलेक्टर फवरमन ब्रह्मा और पद्मश्री प्रेमजीत बारिया, घोघला ब्लू फ्लैग बीच पर एसपी मणिभूषण सिंह और सहायक अभियंता जीएन जादव, दीव किले पर एसटीएम विवेक कुमार, एसडीपीओ संदीप रुपेला, मामलतदार धर्मेश दमनिया और अधीक्षक डीबी अहिर, दीव चक्र तीर्थ बीच पर डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल नितिन गजवानी ने आज सुबह 6:30 बजे विभिन्न योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। इस अवसर पर दीव के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, निर्वाचित प्रतिनिधि आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। योग दिवस के मौके पर दीव प्रशासन ने लोगों को खास संदेश दिया कि योग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में 3,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाया। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज दीव प्रशासन के द्वारा योग दिवस का आयोजन 4 पब्लिक स्पॉट पे हमारे द्वारा किया गया है। कलेक्टर सचिव लीडरशिप के अंडर जिनमें श्री मेमोरियल, दीव फोर्ट, खुखरी वेसल और ब्लू फ्लैग बीच में हमने करीब 2,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ योग का अभ्यास किया है। इसके साथ ही साथ स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने स्कूलों में इस योग में हिस्सा लिया। इसी के साथ में सभी दीववासियों को एवं दादर नगर हवेली दमन दीव प्रशासन की तरफ से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निधि कामलिया, हमारे पार्टनर छे चौहान जयदीप, हमें लोग को यहाँ 9वां इंटरनेशनल योगा डे निमित्ते योग शिविर नु आयोजन करेलू हतु, जेमा अमे योगा ट्रेनर तरीके हता। अहीं स्टूडेंट अने डेप्यूटी कलेक्टर अने प्रशासन द्वारा बहुत सरस आयोजन करवामां आवेलू हतु अने आ योगा डे बहुत सारी रीते पूर्ण थयो। बधाए बहुत सरस रीते योगा करी अने योगा डे ने पूर्ण कर्यो छे। आज रोज योग आंतरराष्ट्रीय दिवसे दीव जिला भारतीय जनता पार्टी पण दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण योगनुं आयोजन करेलू छे। आ तके ભારત દેશનું આ જે ગૌરવનો વાત પણ છે કે ઓલ આખા વર્લ્ડમાં આપણા જે ઋષિ મુનિઓ અને બીજા આપણે યોગ માટે કરી અને જે કંઈ પણ એનાથી જે ફાયદાઓ છે એ વિશ્વએ પણ સમજેલા છે અને વિશ્વમાં મોટાભાગના દેશોએ આજે યોગ દિવસ નિમિત્તે યોગ પણ આજે કરેલા છે અને બાકી રહી ગઈ આજે કરશે પણ। તો આ તકે હું આપણા ઋષિ મુનિઓ અને બધાને એ જેટલા પણ આપણે અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે કે આપણને આ યોગ આપણને શીખવાડ્યો અને એનાથી દરેકના જીવનમાં હેલ્થ બહુ સારી રહી અને દેશ પણ આપણો આબાદ બને।